अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। टैली प्राइम के इस अध्याय में हम बताएंगे एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल भेजने यानी स्टॉक जर्नल वाउचर के द्वारा मटेरियल ट्रांसफर की एंट्री करने के बारे में। इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि गोडाउन क्या है, टैली में इन्हें कैसे बनाते हैं, इनका उपयोग कैसे करते हैं और रिपोर्ट कैसे देखते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हमारे एक से ज्यादा गोडाउन्स होते हैं तो किसी कारण से हम माल इधर से उधर यानी एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करते हैं, और जब ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से हमें ये काम टैली में भी करना होता है, तभी हमें अपने गोडाउन्स की वास्तविक स्थिति मालूम हो पाती है। आज की वीडियो में हम आपको बस यही बताने वाले हैं कि ये काम कैसे करते हैं। यहाँ हमने वही कंपनी ओपन की हुई है जिसमें हमने इसके पहले वाली वीडियो में गोडाउन्स बनाए थे। सबसे पहले हम अपने सभी गोडाउन्स की रिपोर्ट देख लेते हैं। उसके लिए हमें रिपोर्ट्स के अंतर्गत डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना होगा। उसके लिए डी प्रेस कर रहे हैं। अब यहाँ इन्वेंटरी बुक्स के लिए आई प्रेस करें और गोडाउन्स के लिए जी प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए लिस्ट ऑफ गोडाउन्स आ रही है। अब हम सभी गोडाउन्स की रिपोर्ट एक साथ देखना चाहते हैं, इसलिए प्राइमरी सिलेक्ट कर रहे हैं। अब डिटेल रिपोर्ट देखने के लिए ऑल्टर और F5 प्रेस करें। देखिए सभी गोडाउन्स की डिटेल्ड रिपोर्ट आ रही है। इस रिपोर्ट को विस्तृत रूप से देखने यानी एक्सपांड करने के लिए F12 प्रेस करें और यहाँ एक्सपांड ऑल लेवल्स इन डिटेल्ड फॉर्मेट को यस करके इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास वेयर हाउस 1 पर सोनी टीवी 30 इंचेस वाले 20 नग हैं, जबकि हमारे वेयर हाउस 2 और वेयर हाउस 3 में इसका कोई स्टॉक नहीं है। तो हम वेयर हाउस 1 से 5-5 टीवी उठाकर दूसरे दोनों गोडाउन्स में रख देते हैं। आइए अब देखते हैं इस ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। ये काम हम इस रिपोर्ट को बंद किए बगैर ही करना चाहते हैं, इसलिए गो टू पर जाएंगे, यहाँ क्रिएट वाउचर पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे। अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन स्क्रीन आ रही है। स्टॉक जर्नल वाउचर के लिए यहाँ पर माउस से क्लिक करें और फिर यहाँ स्टॉक जर्नल पर क्लिक करें या फिर सीधे ऑल्टर और F7 प्रेस करें। देखिए ऐसा करते ही स्टॉक जर्नल ओपन हो गया है और इसमें ऊपर ट्रांसफर ऑफ मटेरियल लिखा हुआ है। ये स्क्रीन दो भाग में दिखाई पड़ रही है। एक है सोर्स, जिसके अंतर्गत हम जो माल जिस लोकेशन से दे रहे हैं उसकी डिटेल आएगी, और दूसरा है डेस्टिनेशन, इसके अंतर्गत हम जो भी माल जिस लोकेशन पर भेज रहे हैं यहाँ उसकी डिटेल आएगी। सबसे पहले डेट चेंज करना हो तो वो कर लें, हमें यही डेट चाहिए। हम एंटर प्रेस करते हुए सोर्स वाले कॉलम में नेम ऑफ आइटम पर आ गए हैं। यहाँ हमें उस आइटम का नाम सेलेक्ट करना होगा जिसे हम ट्रांसफर कर रहे हैं। हम स्पेस बार प्रेस करके लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स में से सोनी टीवी 30 इंचेस सेलेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ हमें वो लोकेशन सेलेक्ट करनी होगी जहां से हम माल दे रहे हैं। उसके लिए स्पेस बार प्रेस करके लिस्ट ऑफ गोडाउन्स में से वेयरहाउस 1 सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ वो क्वांटिटी टाइप करें जो जा रही है। हम वेयरहाउस 1 से 5-5 टीवी दो स्थानों पर भेज रहे हैं, यानी कुल 10 टीवी भेज रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 10 टाइप कर रहे हैं। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें। देखिए रेट और अमाउंट अपने आप आ गए हैं। अब हम वापस सोर्स के अंतर्गत नेम ऑफ आइटम में आ गए हैं। अब यदि आप कोई और आइटम ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इसी तरह उसकी डिटेल भी दे सकते हैं। हम कोई दूसरा आइटम ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, इसलिए एंड ऑफ लिस्ट सिलेक्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा करते ही हम डेस्टिनेशन वाले कॉलम में आ गए हैं। यहाँ हम जो आइटम जिस गोडाउन में ट्रांसफर कर रहे हैं यानी भेज रहे हैं उसकी डिटेल देना है। हम सोनी टीवी 30 इंचेस वाले 5 नग वेयरहाउस 2 में ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ हमें वो रेट टाइप करना होंगे जो सोर्स में दिखाई पड़ रहे हैं। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें। अब हम 5 टीवी जो कि वेयरहाउस 3 में भेज रहे हैं उसकी भी डिटेल इसी तरह डाल देते हैं।
अब इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और एस्केप की प्रेस करते हुए वापस गो डाउन समरी पर चलते हैं। ये देखिए वेयरहाउस 2 और वेयरहाउस 3 दोनों जगहों पर पहले सोनी टीवी 30 इंचेस का कोई स्टॉक नहीं था, पर अब दिखाई पड़ रहा है। इसी तरह वेयरहाउस 1 पर पहले सोनी टीवी 30 इंचेस के 20 नग स्टॉक में थे, जो अब कम होकर 10 ही रह गए हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।